बल्लभगढ़ के युवा कांग्रेसी नेता मनोज अग्रवाल ने सत्ता परिवर्तन रैली का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने बीजेपी इनेलो और आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसा। अध्यक्ष अशोक तंवर ने बयान देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी नेता पैदा करती है ताकि कार्यकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा बनी रहे। बता दें कि बल्लभगढ़ में बीजेपी सरकार की महिला अत्याचार और 4 वर्षों के कुशासन के विरोध में इस रैली का आयोजन किया गया है। रैली में तंवर गुट के सैकड़ों कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम बहुत बड़ी रैली हमारे साथी भाई मनोज जी ने, उनके तमाम सहयोगियों ने मिलकर के आज यहाँ पर की है। सत्ता परिवर्तन का माहौल है, चुनावी वर्ष है और 5 राज्यों की चुनावी इस नतीजों के बाद, कांग्रेस की जीत के बाद, मैं समझता हूँ कि 2019 में किसान मजदूर का राज कैसे बने, छोटा व्यापारी कैसे सुरक्षित हो, माताएं बहनें कैसे महफूज हो, कानून का राज कैसे आए, क्योंकि आज तो आरएसएस और जो उस तरह की ताकतें हैं, मुल्क को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, जाति और धर्म की राजनीति करने वाली भ्रष्ट ताकतें हैं, आज उनका राज है। इस राज को बदल करके किसान मजदूर के राज को लाने के लिए हम सब संकल्पित हैं और सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित है और सत्ता परिवर्तन से ही आने वाले समय में व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन होगा। हरियाणा में आमूलचूल परिवर्तन हम लेकर के आएंगे। बहुत जबरदस्त लोगों के अंदर उत्साह है।